देखो पीठ के पीछे भी भगवान वचन का पालन कर रहे हैं महाराज। माता पिता के मुंह पे अपन हाँ भी बोल देते कई कामों का, पर पीछे से नहीं करते। कौन देख रहा है माँ, कौन देख रहा है पिता? अरे महाराज ये नकली लेटरिन बाथरूम वाले नहीं दिख रहे माता पिता, पर दूसरा कोई एक और है जो देख रहा है। इसीलिए जगत में आप जिसको चाहो धोखा दे सकते हो, पर परमात्मा को कोई धोखा दे सकता नहीं है। इसीलिए मेरा इच्छा है कि परमात्मा को धोखा नहीं दे सकते तो फिर माता पिता को और गुरु को दो मत। भगवान को दे नहीं सकते और इन तीन को दो मत, तुम्हारा वल्ले ही वल्ले है, तुम्हारा फिर कोई दुख नहीं है संसार में। ये तीन को धोखा दीजिए मत, और परमात्मा को धोखा दे नहीं सकते फिर तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं आ सकती। तुम जो चाहो जैसा चाहो जीवन पाओ, आनंद से भरा हुआ जीवन आप पा सकते बंधुओं। राम जी ने यह सब संदेश दिया दुनियादारी को। राम जी कहना चाहते हैं जब भी आदमी भजन में मन नहीं लग रहा, भजन हो नहीं रहा, घर वालों से खटपट हो गई है, घर जा नहीं सकते, मन टेंशन है, तो क्या करें? तो राम जी ये कह रहे हैं ऐसी स्थिति में रेल के नीचे कटना ठीक नहीं है, ऐसी स्थिति में किसी साधु महात्मा के पास जाना बहुत उत्तम है, अति उत्तम। हम भाई साहब घर में कितना भी चाहे टेंशन हो, घर में कितना भी अपमान चाहे हो गया हो, पर जब हम किसी महात्मा की सत्संग में आ जाते हैं तो उस सारी गंदगी को भूल कर एक नई दुनिया में नाचते कूदते पार हो जाते हैं महाराज। सत्संग, महापुरुषों का सत्संग ये हमारे वर्तमान क्लेश को समाप्त कर देता है, दुख दुविधाओं को मिटा देता है, दिमाग से निकाल देता है।